जय श्री श्याम। द्रौपदी कूप कुरुक्षेत्र, गीता जयंती के शुभ अवसर पर हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ जब महाभारत का युद्ध हुआ तब श्याम जी का शीश यहाँ पर स्तूप पर रखा गया, और ये वो जगह है जहाँ पर द्रौपदी ने अपने बालों को धोया था। हम आपको दिखाते हैं, ये श्याम जी के दर्शन भी कराते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पर, ये हम आपको श्याम जी के दर्शन करा रहे हैं। और आप देखिए जरा, जब भी आप कुरुक्षेत्र आओ तो ब्रह्म सरोवर पर आप जरूर आए। यहाँ पर वो जगह है, मैं आपको वहां के दर्शन भी कराना चाहूंगा। आप इस वीडियो को शेयर करिए और इस वीडियो को श्याम जगत में पहुंचाइए, क्योंकि जो लोग ये मानते हैं कि श्याम जी के शीश का दान, शीश के दान के बाद ये वो कुंड है जहां पर द्रौपदी ने अपने केस धोए थे। उसके बाद इसके ऊपर एक स्तूप था किसी समय में, ये मैं आपको ऊपर दिखाना चाहता हूं। ये यहां पर एक स्तूप था जिसके ऊपर श्याम जी का शीश रखा गया था, और उसके बाद जो युद्ध के बाद जो भी क्वेश्चन आंसर हुए थे वो यहीं पे हुए थे। और इस जगह की एक महत्ता है, जो लोग यहाँ पर, जो श्याम प्रेमी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो कुरुक्षेत्र जरूर आएं और श्याम जी के जहाँ शीश रखा गया था वो देखें, और जहाँ सवाल जवाब हुए थे ये जगह आज भी है, और ये कुआं आज भी है। आप इसको देखिए, यहीं पर द्रौपदी ने अपने बाल धोए थे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और श्याम जगत में पहुँचाइए। हम आपको बाहर का नज़ारा भी दिखाएंगे। आप कुरुक्षेत्र आ रहे हैं तो इस मंदिर में जरूर आइए और बाबा श्याम के दर्शन करिए। बहुत एक उड़ान, ये आप देखिए जरा, ये बाहर का नज़ारा। अगर आप कुरुक्षेत्र गीता जयंती में आ रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिए, ताकि हर श्याम प्रेमी के पास ये वीडियो पहुंचे और वो देख सके भी। लोग कहते हैं भी श्याम जी का शीश का दान कहाँ हुआ था, चुलकाना धाम में नहीं हुआ था वो। ये देखिए, ये मैं आपको थोड़ी सी कथा, इसको पढ़िए, आप आइए और इसको पढ़िए। इसको पढ़ने के बाद आप देखिए, आप ये वीडियो देख सकते हैं। हर्ष गोयल भजन खाटू श्याम कीर्तन कुरुक्षेत्र पेज, वीडियो को शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में विस्तार में। आते कहते जो सेना हारेगी मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा, तो भगवान कृष्ण जानते हैं कि मैंने हराना कौरव, कहे थे कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ेगा तो कौरवों की जीत हो जाएगी। इसलिए भगवान कृष्ण जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और इनसे कहा कि अपराधी सत्य हो, आपका धर्म बनता है युद्ध लड़ना और दान देना। तब इनको अहंकार हुआ कि मैं ब्राह्मण क्षत्रिय हूँ और राजा हूँ, धन भी दे सकता हूँ और युद्ध भी लड़ सकता हूँ। तो ये भगवान कृष्ण को बोलना, मांगो ब्राह्मण, आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगा। भगवान बोले, प्रभु ऐसे नहीं, पहले वचन दीजिए, कहीं आप मुकर गए तो। ये बोले, प्रभु मैं आपको वचन देता हूँ, राजा और क्षत्रिय की जुबान है, जो आप मांगोगे मैं आपको दूंगा। तब भगवान कृष्ण जी बोले, मुझे अपना शीश दान में दे दो। तब ये रोने लगे। भगवान बोले, आप क्यों रोते हो, क्या दान देने से डरते हो? अभी आपने मुझे वचन दिया, अपने वचन को याद कीजिए। तब ये बोले, प्रभु मैं यहाँ पे इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मेरी माता ने मुझे यहाँ पे युद्ध देखने और लड़ने के लिए भेजा था, तो आपने तो शीश ही मांग लिया, तो मैं कैसे युद्ध देखूंगा और कैसे युद्ध लड़ूंगा? तब भगवान कृष्ण जी बोले कि मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, आपको यहाँ महाभारत का युद्ध दिखा सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने इनका शीश जो है स्तंभ के ऊपर रखा था। तब जिधर जिधर युद्ध होता था उधर इनकी गर्दन घूमती रहती थी। युद्ध खत्म होने के बाद पांडव में अहंकार हो गया। भीम कहने लगा कि सबसे ज्यादा मैंने मारे हैं, अर्जुन जी कहने लगे कि सबसे ज्यादा मैंने मारे हैं। भगवान सोचने लगे कि ये मेरे प्रिय हैं अनुज है और इनमें अहंकार हो गया, मैं उत्पन्न हो गया, अहंकार करने से जो इनका विनाश हो जाएगा, तो इनका कुछ ना कुछ उपाय करना। सोचने लगे, तभी याद आया कि चंद्रकूप के ऊपर, अब इसे द्रौपदी कूप बोलते हैं, प्राचीन नाम इसका चंद्रकूप है, कि चंद्रकूप के ऊपर जो है राजा बब्रिक का शीश रखा हुआ है, वहां पे जो है राजा बब्रिक ने सारी महाभारत का युद्ध देखा है, तो वो वही इस बात का निर्णय करेगा किसने कितने मारे हैं। तब भगवान कृष्ण जी पांडवों को लेकर यहाँ पे आए और इनसे पूछने लगे, प्रभु बताइए आप युद्ध के साक्षी हैं कि किसने कितने मारे? भीम जी कहते कि मैंने ज्यादा मारे हैं, अर्जुन जी कहते कि मैंने ज्यादा मारे हैं। तब ये कुछ नहीं बोले क्योंकि सिर्फ देखने का वरदान था, बोलने का वरदान नहीं था।
तब भगवान श्री कृष्ण जी ने इस कुएं का जल लेके इनके शीश के ऊपर छिड़का, तब ये बोलने लगे और तभी से इस कुएं का नाम मृत्युंजयनी कूप भी पड़ गया था। तब भगवान ने पूछा, बताइए प्रभु किसने कितने मारे हैं? तब ये मुस्कुराते हुए बोले, प्रभु यहाँ तो किसी सेना के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ, यहाँ तो सिर्फ एक सुदर्शन चक्कर चल रहा था और माँ काली जो है खप्पर लेके पीछे पीछे घूम रही थी। तब जाके पांडवों का अहंकार टूटा, करने वाले भगवान हम तो नाम मात्र के पुतले हैं, नीचे गणेश जी हैं, कृष्ण जी हैं, राधा रानी जी हैं, इधर कृष्ण भगवान द्रौपदी माता है, जिससे मैं कृष्ण भगवान की उंगली पे चक्र लगा था द्रौपदी माता ने चीर दिया था, अपनी साड़ी का किनारा फाड़ के भगवान कृष्ण जी की उंगली पे बांधा था, इसलिए यहाँ पे द्रौपदी माता का चीर बढ़ाया जाता है। द्रौपदी माता यहाँ पर सभी की मनोकामना पूरी करती है, जिसकी कामना पूरी हो जाती है नारियल वस्त्र और श्रृंगार का सामान चढ़ाता है जी। नीचे द्रौपदी माता का कुआ है, जहाँ पे द्रौपदी माता ने स्नान किया था, गुप्त दान किया था, पांडुओं ने तपस्या की थी, ग्यासर ऋषि जी ने इसके ऊपर तप किया था, परशुराम जी ने इसी के ऊपर आके अपने पिताजी का श्राद्ध किया था, द्रौपदी माता ने इसके ऊपर वरदान दिया था, जो यहाँ पर आके गुप्त दान करेगा उसे 1000 गुना फल मिलेगा। जैसे भगवान कृष्ण जी ने मेरी लाज बचाई थी, वैसे मैं उसकी लाज बचाऊंगी। सूर्य ग्रहण के समय इसको एक रंग कभी असली दूध जैसा हो जाता था, यदि हम अपने घर पे भी जल लेके जाते थे तो आपके घर पे पानी सफेद हो जाता था। जय श्री श्याम। जो लोग गीता जयंती पर आ रहे हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? जो लोग गीता जयंती पर यहाँ हुए हैं उनको कह रहे हैं कि अपना एक तो कोरोना से बच के रहें, अपना मास्क लगा के रखें और इस मंदिर में जरूर आएं, मंदिर श्याम जी के दर्शन करें, मंदिर में आके भगवान श्याम जी के दर्शन करें, माता द्रौपदी के दर्शन करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि श्याम जगत में हर किसी के पास ये वीडियो और आपके विचार पहुंच सके। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री